फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने से, और उसके बाद अप्लाई कर रही हूँ मैं अपना DIY मेकअप स्प्रे। अगर आपने देखा नहीं है तो ऊपर वीडियो टैग कर दूंगी। इसको लगाकर हमें टोनर, मॉइस्चराइजर और प्राइमर तीनों मिल जाएंगे और हमारा फेस हो जाएगा रेडी फॉर मेकअप। फाउंडेशन के लिए मैंने ली है मेबेलिन ड्रीम सैटन स्किन फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड है शेड B3। तो मैं इसको अपने पूना स्टोर के ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी पूरे फेस पर। और क्योंकि मेरे मेकअप स्प्रे से जो मेरा फेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है, इसलिए मेरी फाउंडेशन इजीली ग्लाइड कर रही है। तो दीपिका की ये लुक क्रिएट कर रही हूँ मैं, जो कि काफ़ी सिंपल है, बस थोड़ा सा आईलाइनर ट्रिकी है। NYBA का रनवे कॉन्टोअर स्टिक ली है मैंने, ये क्रीम कॉन्टोअर स्टिक है। इसके साथ मैंने पहले भी मेकअप किया है, काफ़ी अच्छी है, बहुत ही ईजिली ब्लेंडेबल है। तो इससे मैं अपनी कॉन्टोरिंग लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ और फिर अपने ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी टू गेट दैट चिजल लुक लाइक दीपिका। ऑल्दो मेरा फेस स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट है, मेरा थोड़ा राउंड ओवल फेस है, दीपिका के जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, बट फिर भी आई एम जस्ट ट्राइंग आउट द मेकअप रिक्रिएशन जो उन्होंने किया था कांस के लिए। तो सारा कॉन्टोर ब्लेंड करने के बाद लॉरियल मैट मैजिक पाउडर से मैं थोड़ी सी सेटिंग करूँगी अपने फाउंडेशन की, स्पेशली अराउंड द आईज एंड अराउंड द माउथ एरिया, दैट इज़ इट। उसके बाद NYX प्रोफेशनल आईब्रो स्टिक ली है मैंने इन ब्राउन शेड, बिकॉज दीपिका के आईब्रोज काफ़ी अच्छे से फिल्ड अप हैं और वो ब्राउन कलर विजिबली नज़र आ रहा है, तो मैंने उसी तरह से क्रिएट किए हैं अपने आईब्रोज। आईब्रोज फिल इन करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप विद वेट एंड वाइल्ड कम्फर्ट जोन पैलेट, और इसमें से ब्राउन ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ मैं फॉर माई क्रीज एरिया। उनके आईलेट पर कुछ खास आई मेकअप नहीं है, सिर्फ ब्राउन कलर के शेड्स हैं, तो मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन अपनी पूरी लिड पर स्प्रेड कर लिया है एंड दैट इज इट। अब मेन चीज है आईलाइनर। तो NYBA की ब्लैक कोल काजल पेंसिल से मैं नीचे लोअर लैश लाइन के एक विंग्ड काजल लाइन क्रिएट कर रही हूँ थिक वाली, बिकॉज इनके मेकअप की मेन चीज यही है इनकी आई लुक जो कि कैट आई की तरह है। स्टेक वर्की के ब्लैक लिक्विड आईलाइनर से मैं इसके एंड्स और एजेस को क्लियर आउट करूंगी और अंदर की साइड इनर कॉर्नर पे बनाऊंगी एक और कैट विंग, जिससे कि एग्जैक्टली वैसी लुक आ जाए। तो आई एम ट्राइंग टू रिक्रिएट, आई होप कि ये थोड़ा बहुत उस तरह से लग सके। और एक पतली सी लाइन अपनी अपर लैश लाइन पर भी मुझे नजर आ रही थी उनके, तो वही लगाऊंगी। उसके बाद मैं फॉल्स आईलैशेस अप्लाई कर लूंगी ऑफ द स्क्रीन। एंड रेस्ट के लिए ब्लश लिया है मैंने शुगर का पैन ब्लश इन पीची पिंक शेड, इसको मैं जस्ट अबव द कॉन्टूअर लाइंस लगा रही हूँ। और मिस रोज का हाइलाइटर ले रही हूँ, ब्रॉन्जी शेड में है, क्योंकि दीपिका का डस्की स्किन टोन है तो थोड़ा ब्रॉन्जी लुक आता है उनके फेस पर, वैसा ही हाइलाइटर मैंने पिक किया है अपने फेस के हाइएस्ट पॉइंट्स के लिए। और इसके बाद बारी है लिपस्टिक की, तो मैं 2-3 शेड्स ट्राई कर चुकी हूँ ऑलरेडी, मेरे लिप्स आपको दिख रहे होंगे जैसे मैंने लिपस्टिक लगाई हो, बट आई वॉज नॉट हैप्पी। तो फाइनली मैंने NYBA का ये लिप क्रेयॉन लिया है इन न्यूड शेड, इसमें ब्राउन और पिंक दोनों टोन्स हैं, और वेट एंड वाइल्ड के मैट फिनिश मेकअप स्प्रे से सेट कर।